नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम अपने इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका जो इतना मान प्यार सम्मान आप हमारे वीडियोस को दे रहे हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की ये सीरीज हमने शुरू की हुई है जिसमें नंबर वाइज मैं आपको बर्थ चार्ट से उनके नेचर्स को प्रेडिक्ट करना सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उनका नंबर जो है वो किस तरह से क्या रिप्रेजेंट करता है। आज बात करेंगे नंबर 3 के बारे में, लेकिन उससे पहले फिर वही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है वो हमारे आत्मविश्वास को बल देता है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। प्यारे मित्रों, पिछले वीडियो में हमने नंबर 2 से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें की थी, आज हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 क्या होता है, बर्थ चार्ट में कहाँ इसकी प्लेसमेंट है और क्या इम्पैक्ट इसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर रहता है। आइए इस बर्थ चार्ट की तरफ देख लेते हैं। ये जो बर्थ चार्ट हमने बनाया है, नंबर 3 यहाँ पर प्लेस्ड होता है इस बर्थ चार्ट में, और मैंने आपको फिर ये बताया था कि ये कॉलम जो है, ये वाला जो कॉलम है 1, 2, 3 वाला, ये एक छोटा बच्चा है, इसे हम एक छोटे बच्चे की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी कि ये एक छोटा बच्चा है। और अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। और बृहस्पति क्या है, बृहस्पति है देवगुरु। आप एनालाइज कीजिए, आप विजुलाइज कीजिए, एक देवगुरु बृहस्पति अपने बहुत सारी फिल्म्स के अंदर और बहुत सारी मूवीज के अंदर एक गुरु को देखा होगा, या महाभारत का सीन देखा होगा तो उसमें गुरु समान व्यक्ति कैसा होता है, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है, और पर्सनैलिटी अगर देखी जाए तो एक साधारण दिखने वाला इंसान, सादे कपड़ों में दिखने वाला इंसान, लेकिन उसकी अगर नॉलेज की बात करें, उसके ज्ञान की बात करें, तो उसकी नॉलेज और उसकी ज्ञान जो होती है वो उसका सबसे बड़ा गहना होता है, और उसी की वजह से लोग जो हैं उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं, उसको इज्जत देते हैं। तो 3 नंबर यानी कि देवगुरु बृहस्पति, आप देख सकते हैं ये वो लोग होते हैं जो देखने में बिल्कुल ही साधारण आपको दिखेंगे, और अगर नॉलेज की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो इनकी जो नॉलेज है, इनका जो ज्ञान है वो अतुलनीय होता है। लोग इनके ज्ञान की वजह से, इनकी नॉलेज की वजह से इनको रिस्पेक्ट देते हैं, समाज में इनका मान सम्मान होता है, और एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर इनको देखा जाता है। अगर मैं नंबर 3 की बात करता हूं तो नंबर 3 जो है वो यहां पर बर्थ प्लेस में, बर्थ चार्ट के अंदर सबसे टॉप लेवल पर आता है। यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि ये एक छोटा बच्चा है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये माइंड प्लेन है। यहां पर आप अगर पहला वीडियो हमारा याद करें तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये दिमागी स्तर है, तो आप यहां देख सकते हैं कि बच्चे वाला प्लेन का लास्ट नंबर और दिमागी स्तर का पहला नंबर ये है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग जो होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि दिमागी स्तर यहां से शुरू हुआ और बच्चा यहां पर लास्ट है, यानी कि मैच्योरिटी की तरफ आ रहा है, बच्चा मैच्योर हो रहा है और दिमाग की स्टार्टिंग हो रही है। इसका मतलब दे आर वेरी इंटेलिजेंट। 3 नंबर वाले जो लोग मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म तारीख के अंदर नंबर 3 ना हो, बड़ा सोचने वाला विषय यह आ जाता है कि जन्म तारीख के अंदर नंबर 3 जो है वो नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इस दिमागी स्तर का पहला नंबर ना होने की वजह से अपने माइंड को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। नंबर 3 इज द नंबर ऑफ नॉलेज एंड विजडम। दिमाग परमात्मा ने सभी को बराबर दिया है, सभी को सेम दिया है, कोई उसको कितना यूटिलाइज कर पाता है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपके पास नंबर 3 नहीं है तो प्यारे मित्रों, आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने माइंड को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या आपके साथ रहती है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है। तो 3 का ना होना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ इसी वजह से आ रही है कि आप अपने माइंड से सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, यही एक समस्या आपको तंग कर रही है। तो आपको नंबर 3 के उपाय करने चाहिए, और क्या उपाय करने चाहिए आने वाले वीडियोस के अंदर हम आपसे बात करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर नंबर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार आ जाए तो क्या इंपैक्ट आपकी जिंदगी के अंदर रहता है।
तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज जो है सब तक जानी चाहिए, ताकि सब इसका बेनिफिट जो है वो ले सके। और प्यारे मित्रों, अगर मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आप घर बैठे न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर, मैं नंबर भी यहां पर अपना मेंशन कर देता हूं, दिस इज 9034730625। आप इस नंबर पर मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए और लेकर आया हूं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube के लाइव स्ट्रीमिंग्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। और ये YouTube के लाइव स्ट्रीमिंग्स के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि हमारे YouTube चैनल पर हमने एक पेड पार्टनरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। आपको सिर्फ हमारी पेड मेंबरशिप लेनी है, और करना क्या है, जब आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके साथ में एक ज्वाइन का ऑप्शन भी आता है, और ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आप हमारी पेड मेंबरशिप ले लीजिए। उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेंगे कि आप हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पर आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब हमारे लाइव स्ट्रीमिंग्स पे दूंगा, क्योंकि अब मेरी लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए कर दी गई है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, और सबसे बड़ी बात, पेड मेंबरशिप बहुत कॉस्टली नहीं है आपके लिए, ओनली 159 रुपए की कॉस्ट इसकी पड़ती है पेड मेंबरशिप की। तो आज ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी पेड मेंबरशिप में ज्वाइन का ऑप्शन पर जाइए और पेड मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। हमें कभी भी हमारे साथ बात करने के लिए आप मेरे साथ इस नंबर पर बात कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप यहां पर बात करें। अगले वीडियो में हम लोग नंबर 3 के बारे में और जानेंगे, नंबर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार आ जाए तो उसका क्या इंपैक्ट आपकी जिंदगी के अंदर रहता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम।